देखो बच्चों, पेपा और जॉर्ज को खजाना मिला। ओ, खजाना। आइए इसे खोलते हैं। लगता है इसके अंदर कोई चीज है। अरे इसमें तो ताला लगा है, हमें चाबी चाहिए। सुनो, मेरे पास एक सुझाव है। हमारी नाव में 1, 2, 3, 4 जगह है गेंद डालने के लिए। हो सकता है सही रंग की गेंद चुनने से हमें जो चाहिए वो मिल जाए। ये हमारे पास है बैंगनी गेंद। बैंगनी गेंद को कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर? शायद नहीं, ये रंग नहीं मिल रहा। ये गड्ढा नीली गेंद के लिए है। चलो बैंगनी गेंद को यहाँ रखते हैं। अब हमारे पास है नीली गेंद। ये वो गेंद है जो नीले गोले में जाएगी। ये कौन से रंग की गेंद है? हरी। सही कहा, हरी। इसे हम कहाँ रखेंगे? यहाँ, हरे गोले के अंदर। अब हमारे पास केवल एक गोला बचा है, तो बताओ ये कौन सा रंग है? लाल। सही कहा, लाल गेंद। ये जाएगी हमारे आखिरी गोले में। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब हमारे पास खेलने के लिए चारों गेंदे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा। अब हमारे पास है लाल गेंद और अब तीसरी बारी है बैंगनी गेंद की और आखिर में हरी गेंद। ठीक है, बहुत अच्छे। अरे क्या तुम जानते हो, हमें चार रंगीन अलग अलग सिक्के मिले। क्या ये हमारे किसी काम आएंगे? ऐसा लगता है इन खजानों के डिब्बों में सिक्कों के लिए जगह बनी है। और अब इन खजानों के डिब्बों में सही रंग डालो। हरा वाला हरे डिब्बे के लिए और अब ये बैंगनी डिब्बा नंबर 5 में जाएगा। अब ये नीला नीले डिब्बे में जाएगा जिस पर नंबर 4 बना है। अब ये लाल लाल डिब्बे में जाएगा जिस पर नंबर 1 बना है। अरे हमें लाल चाबी मिली, लगता है इससे लाल खजाने का डिब्बा खुलेगा। चलो इस चाबी से इसे खोलें और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे सिक्का जो हमने अभी डाला था। अरे कुछ और भी है, ये टेलीस्कोप जैसा लग रहा है। बहुत शानदार, इसे हम पेपा को देंगे ताकि वो दूर की चीजें देख सके। हमने नंबर 1 खजाने के डिब्बे को खोला क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सिक्के थे। अगर हमारे पास पर्याप्त सिक्के होंगे तो हम दूसरे खजाने के डिब्बे को भी खोल देंगे। पेपा क्या तुम अपने नए टेलीस्कोप से कुछ देख सकती हो? शायद इससे हमें कुछ सहायता मिले। बिल्कुल, चलो देखें हमें क्या मिलता है। सुनो क्या तुमने उसे देखा? इसे थोड़ा खोलो। वाह ये तो मजेदार खिलौना लग रहा है। पेपा और जॉर्ज समुद्री यात्रा करके इसे देखेंगे। चलो ढूंढे। अरे ये तो फिशिंग टॉय है। चलो इसे जोड़कर देखते हैं कि ये खजाना खोलने में कैसे सहायता करेगा। चलो इसे खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये देखो, वाह इसे देखो। इस पर काम करने से पहले हमें जगह को साफ करना होगा और फिर हम नींव से शुरू करेंगे। फिर हम इसमें बैकिंग प्लेट लगाएंगे। साइड से पकड़ने के लिए इसमें 2 हुक लगे हैं, एक दाईं ओर और एक यहाँ बाईं ओर। चलो ट्रैक को जोड़ना शुरू करें। ऊपर से शुरू करेंगे, ये यहाँ पीछे से घूम के आएगा। फिर एक और टुकड़ा पीछे से घूमकर सामने आएगा। ये टुकड़ा 2 रास्तों की तरफ लेकर जाएगा। ये दिशा डॉल्फिन को तालाब की ओर ले जाएगी ताकि वो पानी में तैर सके और दूसरी दिशा ट्रैक के पीछे की ओर घुमा देगी। और यहाँ से एक तरकीब निकलेगी जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हमें ट्रैक को जोड़ना है ताकि ये सुंदर और सुरक्षित दिखे। बढ़िया, ये ऐसे ही होना चाहिए। ये छोटा चिन्ह सजावट है और ये ट्रैक को बाईं ओर रखने में मदद करेगा। हम इसे ट्रैक को उठाकर यहाँ लगाएंगे ऐसे। चलो देखते हैं इस छोटे से पैकेट में और क्या क्या चीजें हैं। ऐसा लगता है इन 2 टुकड़ों को जोड़ने के बाद एक प्यारा पेड़ बनेगा। बहुत बढ़िया, चलो इसे पीछे रख दो। और अब हमें जरूरत है मछली पकड़ने वाले डंडे की। अब इस डंडे को रील से जोड़ेंगे। ये हो गया, अब लगाएंगे कांटा। ध्यान रखना कहीं ये आपको ना चुभ जाए। बची हुई चीजों से हम एक और मछली का डंडा बनाएंगे या जाल। तो चलिए एक जाल बनाते हैं। मछली के डंडे को शानदार बनाने के लिए इसमें कुछ स्टिकर लगाएंगे। यहाँ एक और। बहुत बढ़िया है ना ये सुंदर।
अब ये बड़ा स्टिकर जाल के लिए, एक और छोटा वाला। अब हमारा मछली का डंडा और जाल बहुत सुंदर दिख रहा है। अब इस प्यारे से खिलौने के साथ इसमें असली का पानी भरेंगे। चलो भरो। लगता है हमें थोड़ा और चाहिए। अब ये तैरने के लिए पर्याप्त है। चलो अब पानी में थोड़ी मछलियां डालते हैं। जाओ प्यारे दोस्त। अब हम इसे चालू करके मछलियों को तैरते हुए देखेंगे। वाह, उन्हें तैरते हुए देखो। क्या हम अपने मछली के डंडे से इसे पकड़ सकते हैं? ओह, आई, चली गई। चलो कोई बात नहीं, पर हमने पकड़ लिया। हमने पहली मछली पकड़ी नारंगी रंग की। चलो देखते हैं क्या हम और पकड़ सकते हैं। अरे काट लिया, हमें पीली वाली मिली, बहुत बढ़िया। चलो नीली वाली पकड़ो। हाँ पकड़ लिया, यानी हमने मछली के डंडे से सभी रंगों को पकड़ लिया। चलो देखते हैं हम इस जाल से क्या कर सकते हैं। आ जाओ नन्हे दोस्त, एक और मिली, ये भी नारंगी। यहाँ चलो अभी से पकड़ो, एक और नीली। मछली का जाल तो बहुत आसान है। अभी पीली वाली बच गई, क्या हम इन्हें पकड़ सकते हैं? अरे हमने पकड़ लिया। चलो दूसरी को पकड़ते हैं, अभी एक रंग बाकी है। अरे देखो, हमने दो को एक साथ ही पकड़ लिया। पीली वाली विजेता है क्योंकि आखिर में वही बची है। चलो इसे डंडे से पकड़कर बाहर निकालते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, हमने सभी मछलियों को पकड़ लिया। और ये देखो, हमें खजाने के डिब्बे के लिए और सिक्के मिले। बचे हुए रंगों के लिए हमारे पास दो सिक्के हैं। क्या ये काफी हैं चाबियों को पाने के लिए? हमारे पास नंबर 5 के लिए पहले से ही सिक्का है, इसलिए दो और जोड़ो। अब हमारे पास 3 है, पर इसे खोलने के लिए हमें दो और चाहिए। अब नीले खजाने में 2 सिक्के डालो जिसमें पहले से ही मौजूद हैं। अब हो गए 3 सिक्के। अभी हमें एक और सिक्का चाहिए। नंबर 3 के अंदर 1 सिक्का है। चलो अब इसमें 2 और डालो। देखो 3 सिक्के हो गए। अब हमें चाबी मिलेगी। पीले डिब्बा नंबर 2 में 0 सिक्के हैं। चलो देखें इसमें 2 सिक्के डालने के बाद क्या होता है। अब इसमें भी 2 सिक्के हो गए, यानी हमें एक और चाबी मिलेगी। चलो अब पीले डिब्बे को खोलकर देखते हैं। इसके ताले का त्रिकोण आकार है, इसलिए चाबी का भी। तो चलो इसे खोलो। अरे वाह, चलो देखें इसमें क्या है। अरे ये तो पीला रत्न लग रहा है। और हमको वही सिक्के वापस मिल गए जो हमने डिब्बे में डाले थे। और अब खजाने का डिब्बा नंबर 3, जिसका अंडाकार ताला है, ये लगा। इसकी दुनिया में क्या है? लगता है इसके अंदर जंतु है। जी हाँ, ये तो ऑक्टोपस है, समुद्री जीव जिसकी 8 भुजाएं हैं। पेपा और जॉर्ज, ये देखो रत्न, खजाना। और ये प्यारा दोस्त नाव के ऊपर जाएगा, डायनासोर। अरे जॉर्ज, ये ऑक्टोपस है। हमें अभी भी डिब्बा नंबर 4 और 5 को खोलना है। चलो देखें क्या हमें और सिक्के मिलते हैं। मुझे यकीन है ये डॉल्फिन हमारी कुछ मदद करेंगी। चलो इन्हें ट्रैक पर रखकर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बैंगनी और फिर गुलाबी। ओह, अरे तुमने देखा, बैंगनी वाली ने पीछे छलांग लगा दी। मैं आपको यही दिखाना चाहता था, है ना ये बिल्कुल अलग। अब इसमें नीली भी रखते हैं ताकि तीनों एक साथ जाएं। जानना चाहते हो ये कैसे हो रहा है? ये जादू नहीं है, ये चुंबक है ना शानदार। इसे देखकर लग रहा है कि डॉल्फिन खेलने और तैरने का पूरा आनंद ले रही है, और इसे देखकर भी बहुत मजा आ रहा है। और ट्रैक को बदलते ही ये तालाब में तैरने के लिए चली जाएंगी। ये गई नीली वाली, और फिर गुलाबी, और आखिर में बैंगनी। क्या हम इसे मछली के डंडे से पकड़ सकते हैं? क्या बात है, हमने गुलाबी डॉल्फिन को पकड़ लिया। चलो देखें अब किसकी बारी। अरे इसे पकड़ना तो मुश्किल है। हाँ, हमने नीली वाली पकड़ ली। पकड़ने के लिए अब केवल 1 डॉल्फिन बची है। इसके वापस आने का इंतजार करो। बहुत बढ़िया, हमने बैंगनी डॉल्फिन को पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, हमने 3 डॉल्फिन को पकड़ लिया। क्या बात है, 3 सिक्के और। चलो इन्हें खजाने के डिब्बों में डालें। आपको याद है हमारे नीले खजाने के डिब्बे में 3 सिक्के थे। चलो एक और डालें। ओए, हमें चाबी मिली। हमारे बैंगनी खजाने के डिब्बे में भी 3 सिक्के थे। इसमें 1 और 2 डालने के बाद हो गए 5। हाँ, हमारी आखिरी चाबी।
तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं नीला डिब्बा नंबर 4। इसके ऊपर चौकोर ताला बना है जो हमारी चाबी से मिलता है। हो, ये क्या है? ये तो समुद्री लुटेरों की टोपी लगती है। सभी लुटेरों को इस टोपी की जरूरत होती है। अब हमारा आखिरी खजाना बैंगनी नंबर 5। इस पर षटकोण ताला है। इसके 6 बराबर पक्ष होते हैं और इसके अंदर है, चलिए देखते हैं। अरे ये तो तोता है, प्यारा पंख वाला दोस्त। ये लो जॉर्ज, तुम ये टोपी पहन लो और ये लुटेरा पेपा के कंधों पर बैठेगा। पेपा और जॉर्ज ने 5 खजाने खोल दिए हैं। अब वो और साहसिक समुद्री यात्राओं पर जा रहे हैं। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।